अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बन जा रहा है कुतुब रहाना की आखिरी इफ्तारी में चिकन वाइट यखनी पुलाव। जी तो चिकन वाइट यखनी पुलाव के लिए हम यखनी तैयार कर रहे हैं। यखनी तैयार करना तो आप सबको ही पता है, तो ये सब चीज़ें डाल के हम इसकी यखनी तैयार कर लेंगे। जैसे यखनी तैयार होगी तो उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और उसका जो यखनी होगी साइड पे कर देंगे। अब मैं इसमें जीजी पेस्ट ऐड करूँगी गर्म मसालों, और सारे मसालों के डालने के बाद अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। यखनी पुलाव वाइट पुलाव होगा हमारा, जिसमें हमने प्याज भी फ्राई नहीं करनी, बिल्कुल वाइट पुलाव बनेगा। तो उसके लिए मैंने एक अदद प्याज को पीसेस करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये देखिए जी, ये बॉईल हो जाएगी। इसे हम हरी मिर्चों के साथ ग्राइंड करेंगे। ये देखिए जी, दूसरे पॉट में मैंने ऑयल डाला और ऑयल के साथ ब्लैक पेपर और दालचीनी डाल दी ज़रा से उस खूबसूरत लुक के लिए। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर अच्छा लुक आ जाए इसके लिए डिश के अंदर, क्योंकि हमने यखनी बनाई थी उसमें सारे ही गरम मसाले ऐड किए हुए थे। उसको मैंने इतना भुना कि उसने अपना कलर चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने ग्रेट किया हुआ टमाटर ऐड कर दिया। अब मैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ऐड करूँगी जो कि बराए नाम ही होंगी, जिसमें हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और वाइट पेपर है। जी व्यूअर्स, मैं इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैं इसको बहुत ही लाइट और बहुत ही वाइट बनाना चाहती हूँ कि बिल्कुल वाइट बने। तो इसके लिए मैंने इसमें प्याज भी बॉईल करके डाले हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल अलग रेसिपी आपको मिलेगी और बच्चे तो इतना पसंद करेंगे कि आपकी सोच होगी, फरमाइश करके बनवाएंगे। चलिए जी, अब इसमें मैं वो अलग किए हुए जो चिकन और पोटैटोज़ थे, मैंने चिकन के साथ पोटैटो भी फिर डाल दिए थे बॉईल करने के लिए, ताकि हम फटाफट से झटपट से रेसिपी रेडी करें। अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें भून लूँगी ताकि मसाले सारे इसमें खुशबू मिक्स हो जाए, मिक्सअप हो जाए। हालांकि खुशबू तो सब में रची बसी थी कि हमने इसमें डाला हुआ है स्टार्ट से ही बहुत सारा मसाला, गरम मसाला के साथ ये बॉईल हुआ है। अब इसमें मैं हसबी जायका सॉल्ट ऐड करूंगी और राइस ऐड कर दूंगी। राइस को इतनी देर तक पकाऊंगी कि पानी इसका थोड़ा ड्राई हो जाए, फिर दम पे रख दूंगी। जी तो व्यूअर, मज़ेदार सा यम्मी सा वाइट यखनी पुलाव बनकर रेडी है। इंजॉय कीजिए, उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी मुझे सब कहते हैं आप ऐसे क्यों नहीं कहती कि अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, शेयर कीजिए। तो चले आज मैंने कह दिया कि अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़ वंस अगैन।